आईपीएल ऑक्शन 2023 के लिए कोची में बोली लगाई जा रही है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक को 13.25 करोड़ यानी कि 13 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीद लिया है। इस धुआंधार बल्लेबाज के लिए राजस्थान और हैदराबाद के बीच बिडिंग वॉर हुई, जिसमें कुछ देर तक आरसीबी भी शामिल रहा, लेकिन ब्रूक को लेकर बाजी मारी हैदराबाद ने। ब्रूक हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। एसआरएच के पाले में जाते ही वो हैदराबाद टीम के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड मनीष पांडे के नाम था, जिन्हें हैदराबाद ने साल 2018 में 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। नीलामी में ब्रूक के लिए सबसे पहली बोली राजस्थान रॉयल्स ने लगाई, जिसमें राजस्थान रॉयल्स बैंगलोर भी शामिल हो गई, लेकिन आरसीबी ने 4.80 करोड़ यानी कि 4.80 करोड़ रुपए तक बोली लगाई और इसके बाद आगे नहीं बढ़े। आरसीबी के हटने के बाद हैदराबाद की टीम इस बोली में शामिल हो गई। हैदराबाद और राजस्थान के बीच काफी देर तक बिडिंग वॉर चली। एक समय ऐसा लग रहा था कि ब्रूक को राजस्थान ने खरीद लिया है, लेकिन हैदराबाद ने हार नहीं मानी और आखिरकार ब्रूक को 13.25 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हैरी ब्रूक इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की थी। 3 मैच की इस सीरीज में हैरी ब्रूक ने कुल 468 रन बनाए थे, जिसमें 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। इस दौरान उनका औसत 93.60 और स्ट्राइक रेट 93.41 का रहा। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। अब जब वो हैदराबाद की टीम में शामिल हो गए हैं, तो वो टीम के लिए अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मिडल ऑर्डर में धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब सवाल होगा ना कि कौन है हैरी ब्रूक, तो आपको अब इनके बारे में बताते हैं। हैरी ब्रूक का जन्म 22 फरवरी 1999 को यॉर्कशायर में हुआ था। वो इंग्लैंड की अंडर 19 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ब्रूक ने साल 2020 में इंग्लैंड में खेले जाने वाली T20 ब्लास्ट में कमाल का प्रदर्शन किया था। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के बावजूद ब्रूक ने 55 की औसत और 163 के धुआंधार स्ट्राइक रेट से ग्रुप स्टेज में रन कूटे थे और इसी प्रदर्शन के बाद वो चर्चा में आए। इसके बाद उन्होंने साल 2021 में भी कमाल की फॉर्म दिखाई और इसी को देखते हुए उन्हें इंग्लैंड की टीम में भी शामिल कर लिया गया। ब्रूक ने 26 जनवरी 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। वहीं उन्होंने 8 सितंबर 2022 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। ब्रूक के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट और 20 T20 मुकाबले खेले हैं। टेस्ट की 6 पारियों में उनके नाम 480 रन है, जिसमें उनका औसत 80 और स्ट्राइक रेट 92.13 का रहा है। वहीं T20 में उनके नाम 372 रन है, उनका औसत 26.57 और स्ट्राइक रेट 137.77 की रही है। हैरी ब्रूक का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन हाल के दिनों में ब्रूक ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उसे देखकर इन पर बड़ी बोली लगनी तय मानी जा रही थी। 23 साल के इस प्लेयर का ये पहला IPL सीजन है, जिसमें वो धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है विपिन ने, इस वीडियो को शूट किया है जतिन ने और मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।